एक लड़की जंगल जाती है, लेकिन जब वहाँ से लौटती है तो वह महारानी बन जाती है। यह घटना आज से 71 साल पहले हुई थी और तब उस लड़की की उम्र थी महज 25 साल। छोटी उम्र में साम्राज्य का बोझ सिर पर आया, लेकिन उसने उसे और मजबूत बना दिया। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी, जिनका कल 96 साल की उम्र में निधन हो गया। वे कुछ समय से बीमार चल रही थी और डॉक्टरों की निगरानी में थी। देर रात उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अब एलिजाबेथ द्वितीय के जाने के बाद उनके बड़े बेटे चार्ल्स ब्रिटेन के राजा बन गए हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने मात्र 25 साल की उम्र में सत्ता संभाल ली थी। उनके पिता किंग जॉर्ज 6 के निधन के बाद ही एलिजाबेथ महारानी बना दी गई थी। 70 सालों तक उन्होंने शासन किया और कई प्रधानमंत्री बनते गिरते देखे। तो आइए जानते हैं कि कैसे एलिजाबेथ आम लड़की से अचानक ब्रिटेन की महारानी बन गई। दरअसल 6 फरवरी 1952 को राजकुमारी एलिजाबेथ को अपने पिता किंग जॉर्ज 6 की फेफड़ों के कैंसर के चलते मौत की खबर मिली। जब एलिजाबेथ को इसकी खबर मिली तब वह केन्या के एबरडेयर्स जंगलों में अपने पति प्रिंस फिलिप के साथ थी। उस रात वो एबरडेयर्स के जंगल में एक पेड़ पर बने लॉज में ठहरी थी। इस घटना के बारे में मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट ने लिखा था कि दुनिया के इतिहास में पहली बार एक युवा लड़की राजकुमारी के रूप में पेड़ पर चढ़ी, लेकिन वो पेड़ से महारानी बनकर उतरी। जिम कॉर्बेट उस रात वहीं एलिजाबेथ और उनके पति के साथ थे। बताया जाता है कि इसके बाद पेड़ पर बना ये होटल इस बात के लिए मशहूर हो गया कि यहाँ एक राजकुमारी रानी बनी। क्वीन एलिजाबेथ का जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ था। वह कभी स्कूल नहीं गई और उनकी पढ़ाई घर पर ही हुई। बताया जाता है कि क्वीन एलिजाबेथ का घोड़ों और डॉग्स के प्रति बचपन से लगाव था। साल 1947 में क्वीन एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप की शादी हुई। 1952 में पिता की मौत के बाद 2 जून 1953 को आधिकारिक रूप से एलिजाबेथ का राज्याभिषेक हुआ। क्वीन एलिजाबेथ से हर मंगलवार यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री मिलता है और देश के हालात के बारे में बताता है। हालांकि शाही परिवार देश के कामकाज में सीधा दखल नहीं दे सकता है। वैसे अब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का युग तो समाप्त हो गया है, लेकिन उनके बड़े बेटे चार्ल्स के सिर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। नियमों के मुताबिक एलिजाबेथ के निधन के तुरंत बाद ही चार्ल्स को नया राजा घोषित कर दिया गया है। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में वरिष्ठ सांसदों, सिविल सर्वेंट्स, मेयर के बीच औपचारिक तौर पर चार्ल्स को राजा बना दिया जाएगा।